हेलो गाइस, गुड इवनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आवर चैनल ड्रीम हाउस डिजाइनर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बार फिर से एक और घर का नक्शा लेके आया हूँ। दोस्तों, ये घर का डिज़ाइन एक रिक्वेस्टेड डिज़ाइन है, क्योंकि मेरे किसी व्यूवर ने कमेंट करके कहा था कि मुझे एक ऐसा घर चाहिए जिसके दोनों तरफ मकान हैं, मतलब साइड से खुला ना हो, और नीचे मुझे खुद के रहने के लिए जगह चाहिए और एक दुकान भी चाहिए, और ऊपर वाला पोर्शन रेंट के लिए देना है। तो दोस्तों, उसी के हिसाब से मैंने घर का डिज़ाइन तैयार किया है। दोस्तों, इसका 3D व्यू कुछ इस तरह का दिखाई देगा, आप ध्यान से देख सकते हैं। दोनों तरफ इसके मकान होंगे, कुछ भी एक्स्ट्रा के अलावा एक्स्ट्रा कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले इसके जो ग्राउंड फ्लोर है उसके 2D व्यू देख लीजिए आप। तो दोस्तों, ये ग्राउंड फ्लोर का 2D व्यू है। 3D व्यू देखेंगे तो आपको बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, ये प्लॉट का साइज, ये इसका फेस है, इसके सामने ये मतलब मेन रोड है, और इसके साथ में ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले पीछे से शुरू करते हैं। पीछे के साइड में 21 फीट चौड़ा ये प्लॉट है और 30 फीट लंबा है। तो 21 फीट की चौड़ाई के साथ 10.5 फीट चौड़ाई के साथ दो रूम हैं, और ये जो राइट में जो रूम है इसकी लंबाई 10.5 फीट ही है, और इसकी सॉरी 9.5 फीट की लंबाई है, चौड़ाई 10.5 है और लंबाई 9.5 फीट है। और उसके साथ में जो रूम है उसकी जो लंबाई 11 फीट के करीब ली, क्योंकि ये हमने बड़ा लिया है, क्योंकि इसके साथ में कुछ किचन वगैरह नहीं है। तो दोस्तों, इसके साथ में हॉल में ही अंदर एक किचन बनाया गया है, और इसके साथ में ही एक ये बाथरूम है। बाथरूम का साइड 4 फीट के और 5 फीट लंबाई, 4 फीट चौड़ाई है। दोस्तों, ये एक कॉमन बाथरूम है, किसी के लिए भी यूज़ हो सकता है। उसके साथ एक हॉल है, हॉल में ही हमने सोफ़ा चेयर वगैरह सेटिंग प्लान बना रखा है। तो दोस्तों, इसी के साथ में बाहर की तरफ एक दुकान का डिज़ाइन तैयार किया गया है। अगर अगर मोस्टली अगर दुकान नहीं चाहते तो ये एक बैठक या फिर एक गेस्ट रूम की तरह यूज़ हो सकता है। तो फिर किसी की जो रिक्वायरमेंट अगर दुकान की है तो ये दुकान के लिए कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा अच्छा, क्योंकि मेन रोड पे मकान है, रिक्वेस्टेड डिज़ाइन है, उनकी दुकान की ज़रूरत है, इसलिए प्लॉट का साइज़ में कुछ इसी तरह का डिज़ाइन तैयार किया गया है। तो दोस्तों, ये मेन गेट की तरफ स्टेयर है, तो इसका मैं आपको 3D व्यू दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, 3D व्यू में आपको बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा। ये पीछे की तरफ एक साइड दिखाता हूँ, ये पीछे की तरफ दो रूम है, ये देख लीजिए ध्यान से, ये दो रूम है, इनकी लंबाई चौड़ाई मैं आपको बता चुका हूँ, और ये बाथरूम है, और ये हॉल है, हॉल में स्टेयर, हॉल में ये इसका यहाँ पे किचन है, किचन कुछ इस तरह का दिखाई देगा। और दोस्तों, बाहर की तरफ ये स्टेयर है, स्टेयर के नीचे आप बाइक खड़ी कर सकते हैं, काफ़ी इतना सामान है आ सकता है, मतलब कुछ बाइक दो या तीन व्हीकल होते हैं छोटे, बाइक साइकिल एक्सेट्रा कुछ, तो आसान ही है, आ सकते हैं। तो दोस्तों, साथ में ये दुकान का डिज़ाइन, दुकान 9 फीट चौड़ाई के साथ है और 12 फीट लंबाई के साथ है। दोस्तों, ये देख लो, इस तरह की ये दुकान के लिए जो ये हमने लगा रखे हैं, दुकान के डिज़ाइन के लिए तैयार किए गए हैं। तो दोस्तों, इसके बाद ये फर्स्ट फ्लोर का डिज़ाइन ना सॉरी ग्राउंड फ्लोर का डिज़ाइन आप देख चुके हैं। फर्स्ट फ्लोर का मैं आपको डिज़ाइन दिखा देता हूँ, आप डायरेक्ट इसका 3D व्यू देख लो, उसके बाद मैं आपको 2D व्यू में बता दूँगा। दोस्तों, ज़्यादा चेंजेस नहीं है, बहुत ही लगभग ज़्यादा सिमिलर ही है। ये ऊपर का पोर्शन उन्होंने रेंट के लिए कहा था, तो मैं आपको इसका डिज़ाइन बना देता हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको एक ही फैमिली को रेंट के लिए सारा मकान मतलब फर्स्ट फ्लोर सारा रेंट पे देना है, तो इसके एक डोर यहाँ पे यूज़ हो सकता है, लेकिन यहाँ पे नहीं हो सकता, तो इसलिए ये जो एक साइड वाला रूम है, जो नीचे दुकान के ऊपर वाला रूम है, इस रूम में ये एक सिंगल रूम है, और इसी के अंदर ही बाथरूम और किचन का डिज़ाइन तैयार किया है। ये आपको किसी को पर्सनल एक को दे सकते हैं, और अंदर वाला जो है डबल रूम सेट है, और किचन बाथरूम सब कुछ अंदर ही है, तो ये आपको एक फैमिली को दे सकते हैं। तो इस हिसाब से आप दो फैमिली को ये घर किराए पे दे सकते हैं, आपका फर्स्ट फ्लोर। दोस्तों, वो आपको देखना है कि किस तरह आपको रेंट पे देना है। तो दोस्तों, उसका डिज़ाइन कुछ इसी तरह का है, दोनों कमरों का जो साइज़ है वो बिल्कुल बराबर है, और एक साइड में इसके टॉयलेट है, एक साइड में इसके बाथरूम है, सॉरी टॉयलेट है, एक साइड में इसकी किचन है। किचन का डिज़ाइन कुछ इस तरह का, दोस्तों देख लो, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये किचन कुछ इस तरह का दिखाई देगा। ये थोड़ा सा डिस्प्ले का कुछ ऐसा है, शॉर्ट फॉर्म में है, तो आप एकदम से जल्दी जल्दी के चक्कर में देख नहीं पा सकते। तो दोस्तों, इस तरह का ये कुछ डिज़ाइन इस तरह दिखाई देगा, आप देख लो, ये दो रूम है। आप मैं इसका 2D व्यू दिखा देता हूँ, ये इसका अलग रूम है, ये वाला, इसी के अंदर ये बाथरूम है, ये बाथरूम है, और ये साथ में ही किचन और विंडो के साथ ही किचन के स्लिप वगैरह मतलब किचन का जो सामान होता है वो लगाया गया है। तो दोस्तों, इसका आप 2D व्यू देख लीजिए। ये रूम के साइज़ वही नीचे वाला सेम 9.5 फीट और 10.5 फीट, और साथ वाला रूम भी बिल्कुल सिमिलर साइज़ का है, और ये बाथरूम है 8 फीट चौड़ा और 4 फीट चौड़ा और 8 फीट लंबा, और ये किचन है, किचन ओपन किचन है, ये खुले हुए बिल्कुल, और यहाँ पे सोफ़ा डला हुआ है, मतलब गेस्ट रूम, यहाँ पर स्टेबल कर सकते बैठ सकते हैं आराम से, और इसके साथ बाहर निकलते हुए स्टेयर है। ये एंट्री का यहाँ से इसका रास्ता है,
और इसके बाद एक ये एक अलग रूम है, इसलिए अगर आप चाहें तो इसी के साथ जोड़ सकते हैं या इसको सेपरेट रेंट के लिए दे सकते हैं, मतलब आप दो फैमिली को एक रेंट में अपना फर्स्ट फ्लोर दे सकते हैं। चलो ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया है 11 फीट की रेंट वाला जो दूसरा पोर्शन है 11 फीट की और 12 फीट की चौड़ाई के साथ, मतलब काफ़ी बड़ा है, इसलिए अकेला दे सकते हैं आप किसी को भी। दोस्तों इसका थर्ड फ्लोर में मैंने कुछ नहीं बनाया है, सिंपली छोड़ दिया है। दोस्तों अगर आप चाहें तो इसको भी नीचे वाले जैसा ही सेम बना सकते हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है, सेम टू सेम वैसा ही बना दिए। तो दोस्तों ये घर का डिज़ाइन तैयार करने के बाद कुछ इस तरह का दिखाई देगा आपको। अगर रेंट के लिए और भी बनाना है ऊपर, तो जो फर्स्ट फ्लोर है उसी के जैसा आप ऊपर भी डिज़ाइन कर सकते हैं, थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर करके कमेंट शेयर करके बताएं, और आपकी किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट है घर बनाने से नक्शे से लेकर आप मेरे को कमेंट में करके बता दें, मैं आपके लिए वीडियो बना दूँगा। तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और लाइक शेयर करें। धड़कन मैं